नमस्ते, मैं अविचल दुबे। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मुख्यमंत्री किराएदार मीटर योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत अब किराएदार अपना खुद का प्रीपेड मीटर दिल्ली में लगा सकेंगे। अब तक जो किराएदार रहते हैं दिल्ली में, या तो वो मकान मालिक का दिया हुआ जेन्युइन जो सरकारी मीटर होता है वो यूज़ करते थे, या ज़्यादातर किराएदार सब मीटर यूज़ करते थे। मकान मालिक ज़्यादातर जो सब मीटर में यूनिट के हिसाब से पैसा लेते थे, वो पैसा 8-10 रुपये यूनिट के हिसाब से लेते थे, जबकि जो रेट है वो 3-4 रुपये यूनिट का रहता है। अब जो इस योजना का ऐलान हुआ है, इसके तहत मुख्यमंत्री ने बताया कि अगर किराएदार अपना प्रीपेड मीटर लगा लेते हैं, वो 200 यूनिट तक फ्री बिजली का उपयोग कर सकेंगे, और इसके बाद 200 से 400 यूनिट यदि उनकी आती हैं तो 50% सब्सिडी वाली बिजली का उपयोग कर सकेंगे। इस योजना के तहत यदि कोई किराएदार प्रीपेड मीटर लगाना चाहता है तो वह दिल्ली सरकार के दिए हुए 3 नंबरों में अपनी सुविधा अनुसार फ़ोन कर सकता है, और दिल्ली सरकार के बिजली विभाग से ही लोग आएंगे और वह मीटर उनके घर पर इंस्टॉल कर देंगे। अभी हमने खैर जो ये नंबर लगाए वो काम नहीं कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि वो जल्द से जल्द इस योजना का इम्प्लीमेंटेशन पूरी दिल्ली में करना चाहती है, क्योंकि अब तक जो उन्होंने सुविधाएं दी हैं वो जेन्युइन मीटर्स पर फ्री बिजली की दी हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि किराएदारों को भी ये सुविधाएं मिलें, क्योंकि दिल्ली में बड़ी संख्या में किराएदार रहते हैं। सरकार ने जो ऐलान किया है उसमें ये साफ कहा है कि किसी भी तरह की मकान मालिक की तरफ से आपको NOC की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ आपको जो रेंट एग्रीमेंट है या रेंट रिसिट के हिसाब से आप ये प्रीपेड मीटर लगा सकते हैं। इसके लिए 3,000 रुपये की सिक्योरिटी अमाउंट देना होगा, जो वापस हो जाएगा जब आप इसको मीटर को वापस करेंगे, या फिर जब आप एक घर से दूसरे किराए वाले घर पर जाते हैं तो वो ट्रांसफ़र भी हो सकता है। इस ऐलान के बाद हम दिल्ली के पटपटगंज इलाके में आए हैं और हम लोगों से बात करेंगे, किराएदारों से भी बात करेंगे, मकान मालिकों से भी बात करेंगे कि इस योजना के बाद उनका क्या कहना है। पटपटगंज में रहता हूँ, मैं किराएदार हूँ। 8 रुपये यूनिट जो है मकान मालिक लिया जा रहा है, ठीक है। यूनिट जो है सरकार के द्वारा जो है 3 रुपये यूनिट है, और मेरे से जो है लिया जा रहा है 8 रुपये यूनिट, ठीक है। तो सर ये मीटर लगाने के लिए उसमें जो है मकान मालिक का बिजली बिल चाहिए? नहीं, मकान मालिक का कोई बिल नहीं चाहिए आपको। मकान मालिक की NOC की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, बस रेंट एग्रीमेंट, रेंट रिसिप्ट चाहिए, और आपका भी जो है बिल लग जाएगा। आपको बस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करना है। मैंने जब उससे बोला कि मुझे जो है बिजली बिल और जो है आप अपना मकान का नंबर दीजिए, उसमें मना कर दिया, बोला कि ये नहीं होगा। रेंट एग्रीमेंट का कोई आपके पास प्रावधान नहीं है? नहीं है। कोई रेंट रिसिप्ट, मतलब कि रेंट की रसीद जो आप देते हैं पैसा, वो नहीं है? कुछ भी नहीं है सर। कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं। कितना किराया देते हैं? 3,000। अच्छा, अगर ये सुविधा हो जाएगी तो? सर अगर ये सुविधा हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा जो है किराएदार के लिए जो है ना सुविधा मिल जाएगा। जहाँ आप रहते हैं वहाँ मीटर किस तरह का है? मीटर 150 का है, सब मीटर है वैसे तो। सब मीटर है? हाँ। अच्छा, तो क्या यूनिट देते हैं, क्या उसका प्राइस रहता है? 8 रुपये यूनिट। 8 रुपये यूनिट देते हैं। अभी आपकी कितनी यूनिट आती हैं? अभी 34 दिन का मेरे ख्याल से बिल आता है, 200 कुछ यूनिट आते हैं, 200 से ऊपर ही आते हैं। तो अच्छा, तो कितना बिल आ जाता है आपका महीने का? महीने का बिल मकान मालिक तो अपने हिसाब से लेगा ना, 8 रुपये यूनिट। कितना देते हैं वो? 100 यूनिट हो गया तो 800 रुपये सीधे सीधे। हाँ है ना, सरकारी में वैसे तो 200-150 का आता होगा। हाँ। लेकिन मकान मालिक तो अपने 100, अगर सरकारी मीटर है तो 100 यूनिट का कोई बिल नहीं आता है ना? हाँ, तो नहीं आएगा, लेकिन मकान मालिक तो वो थोड़ी मानेगा, वो सब मीटर के हिसाब से। सब मीटर के हिसाब से मकान मालिक तो लेता ही है। आप 200 यूनिट का बिल देते हैं, क्या कहते हैं, 800-900-1000-2000 ऐसे? नहीं, 200 यूनिट का तो 1600 बिल हो गया। 1600 बिल हो गया ना, तो हाँ। ऐसे ही लेते हैं। अच्छा, हमारा सर ज्यादा 1200 जाता है यूनिट का। क्या? हमारा 1200 रुपये जाता है। 1200 रुपये जाता है महीने का? हाँ जी। अच्छा, कितना यूनिट यूज कर लेते हैं आप? हम ऐसे 150 के करीब होता है, 150 के आसपास, 150। तो आपको अब ये सुविधा मिल सकती है कि आप अपना मीटर लगा सकते हैं? नहीं, मकान मालिक कहते ऐसे कुछ नहीं है हमारे। नहीं, 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 तो लगाने नहीं देगा ना सर? नहीं, उसके मकान मालिक को अगर बोलेंगे हम अपना मीटर लगा रहे बिजली के लिए, तो वो तो तुरंत कमरा ही खाली करवा देगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ना। या तो बोलेगा भाई हमारे पास मत रहो, देना है तो ऐसे दो वरना मत दो। तो हम या तो मकान खाली करें या तो उसके हिसाब से बिल दें, यही हो सकता है ना दो में से एक।
वैसे सरकार ने जो सुविधा करी है उसमें मकान मालिक की किसी भी तरह की कोई एनओसी की जरूरत नहीं होगी आपको? सर एनओसी लेकिन लगेगा तो उसी के मकान पे। हाँ ये बात, मीटर तो मकान मालिक के मकान पे ही लगेगा ना, तार मकान मालिक के घर में आएगा जी, है ना। तो मकान मालिक बोलेगा भाई हम नहीं कर रहे, खाली कर दियो अगले महीने से, मेरा पैसे दे के खाली कर अपना मकान, फिर हम क्या करेंगे, हम तो तुरंत बेघर हो जाएंगे। तो इसके लिए मकान मालिक को पहले सोचना चाहिए ना, या तो कोई एनओसी जारी करे सरकार कि मकान मालिक को बोल देगा कोई भी किराएदार अपना मीटर लगाना चाहे उसके लिए स्वतंत्र है वो, तब तो आप मकान मालिक के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि भाई हमें लगाने ही देना है इसे, चाहे वो दो महीने लगाए, चाहे एक साल लगाए, चाहे दो साल लगाए। अभी जो मकान मालिक जो पैसा ले रहे हैं वो अपने हिसाब से ले रहे हैं और ज़्यादा ले रहे हैं, ज़्यादा ही ले रहे हैं। अब किराएदार है, मान लो 10,000 रुपये उसकी इनकम है, 800,000 रुपये बिल में ही देगा तो फिर क्या करे, फिर क्या करेगा। तो इसके लिए तो किराएदार हर तरीके से परेशान है ना। किराए पर रहते हैं, मकान मालिक हैं आप दिल्ली में? आप कहाँ से हैं? ऐसे बिहार से हम। बिहार में कहाँ से? सीवर जिला। अच्छा, कब से रह रहे हैं दिल्ली में? दिल्ली में हम हो गए कम से कम 8 साल हो गए हमें रहते हुए। और आप किराए पर ही रह रहे हैं तो सब मीटर की व्यवस्था से ही आप ज्यादा बिल दे रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सबसे ले रहे हैं सर किराया मकान मालिक पटपड़ में, एक एक मकान मालिक के यहाँ 5-5, 10-10 मकान है और एक एक मकान में कम से कम 50 कमरे हैं, लेकिन वो सब मीटर के हिसाब से मान लो एक बंदे का 1,000 रुपए भी ले रहे हैं तो कम से कम 50,000 रुपए तो खाली बिजली से कमा रहे हैं। मकान मालिक पटपड़ के अंदर तो 50,000 रुपए खाली बिजली से कमा रहे हैं वो, किराए को छोड़ के। तो इसके ऊपर करे ना सरकार कुछ। तो सरकार ने यही तो किया है सर, दिया तो है लेकिन मकान मालिक को टाइट करे ना। मकान मालिक को जब तक टाइट नहीं करेगा किराएदार कैसे लगा लेगा अपने, किराएदार की मर्जी थोड़ी चलेगा, वहाँ वो लगाने भी जाएगा तो वो तो भगा देगा, बोला अभी खाली कर दो, दो आदमी को बुला के सामान फिंकवा देगा घर से बाहर। आप कहाँ से हैं? मैं भी बिहार से हूँ, दिल्ली में शुरू से रह रहा हूँ, समस्तीपुर जिला। अच्छा समस्तीपुर से हैं। हाँ। दिल्ली में कब से रह रहे हैं? दिल्ली में बचपन से रह रहा हूँ। और ये ऐसी व्यवस्था के साथ रह रहे हैं? ऐसी व्यवस्था के साथ ही रह रहा हूँ जिसमें ज्यादा बिल देना पड़ता है। ज्यादा बिल देना पड़ता है, 3,000 क्या 3,500 भी दे देगा किराएदार, 4,000 वो तो रिफंडेबल होगा ना। हाँ, रिफंडेबल अमाउंट कोई नहीं लेना चाहेगा। अगर 6 महीने के लिए भी करता, हम ये नहीं कहते कि आगे उसकी सरकार बने या बिगड़े, लेकिन अगर 6 महीने भी स्कीम रहती है तो 6 महीने कम से कम किराएदार को कुछ तो फायदा होगा। ये तो नहीं है कि कुछ नहीं फायदा होगा, कोई भी स्कीम लागू होता है जिसको मिल गया उसको कुछ तो फायदा होगा। तो आपके घर पर जो मीटर है वो सब मीटर है कि जेन्युइन मीटर? सब मीटर है। क्या रुपए यूनिट देते हैं? 9 रुपए यूनिट। 9 रुपए यूनिट देते हैं। अच्छा, तो अब आपको पता है कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किराएदारों के लिए मीटर लगाने के लिए बोला? हाँ, तो पता है मुझे। क्या आप उस सुविधा का लाभ उठाएंगे? बिल्कुल उठाना चाहेंगे। हाँ, क्योंकि हमारा करीब करीब महीने का 1600-1700, अब पिछले महीने तो 2,000 रुपये देना पड़ा मुझे, क्योंकि गर्मी ज़्यादा बिजली खर्च होती है, तो उसकी वजह से मुझे बहुत उसी मेरा बजट गड़बड़ जाता है। इतनी इनकम तो है नहीं कि हम 2,000 रुपये बिल भरेंगे, महीने में कमाएंगे हम 10,000 रुपये, 2,000 बिल भरेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे क्या और खिलाएंगे क्या। तो ये 200 यूनिट आती है आपकी, 200 से ज़्यादा आ जाती है? 200 से कम आती है। तो आपका तो फ्री हो जाएगा? हाँ, मेरा तो कभी 200 से ऊपर हुआ ही नहीं है, 198 या 170, अभी सर्दी आ रही है तो 100 भी नहीं जाएगा, तो हमारे लिए तो फ़ायदा है ना, हमें तो बचत ही जब फ्रीज बिल्कुल फ्री है। लेकिन मकान मालिक इस चीज़ के लिए राजी नहीं होते, मकान मालिक नहीं लगवाते मीटर। आपकी इस पर बात हुई कि जो नया मीटर है जो मुख्यमंत्री, वो तो अभी ताज़ा फैसला है, अभी तो उस बारे में बात नहीं, इससे पहले बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि ऐसे सब बकवास है और ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है, हम खुद हैं, हमारे पास तो हमारा तो इतना बिल आता है, कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। ये तो उनके लिए है जो एक कमरे में रह रहे हैं, जो मतलब गरीबी रेखा से नीचे, उनके लिए ऐसे सुविधा। उन्होंने ऐसे ही आपको कुछ भी कहकर समझा दिया बस? बिल्कुल। हाँ, वो राजी नहीं होते कभी, वो राजी नहीं। उनका बेनिफिट हो रहा है, उनको तो बेनिफिट मिल रहा है ना। हाँ। आप मकान मालिक हैं पटपड़गंज में, क्या आपका कहना है कि जो कल फैसला हुआ है केजरीवाल साहब ने जो ऐलान किया है किराएदारों के लिए मुफ्त बिजली की सुविधा करने की बात कही है? लेकिन उन्होंने जो सुविधा दी है बहुत अच्छी सुविधा दी है, और मैं समझता हूँ कि इसमें दिल्ली के अंदर आज की डेट में कम से कम 50-60% लोग किराएदार हैं जी, मकान मालिक वही हैं जो पुराने पुश्तैनी थे, ठीक है ना। तो उनके सुविधा अनुसार आज देखा जाए बहुत अच्छा किया है, और कुछ नहीं किया उन्होंने, वोट बैंक की तैयारी कर ली है पूरे अपने, मतलब तरीके से वोट बैंक उनकी तरफ बढ़ता चला जाए। हाँ, लेकिन हमने किराएदारों से बात करी, उनका कहना है कि अगर 6 महीने भी अगर उनको सुविधा मिलती है इस तरह की,
तो उनके लिए बेहतर है, क्योंकि अभी तक मकान मालिकों ने सब मीटर के नाम पर उनसे 8-8, 10-10 रुपए का जो यूनिट चार्ज शोषण कर रहे थे मकान मालिक जितने भी हैं, सब किराएदारों को शोषण करते थे। 8 रुपए यूनिट, 10 रुपए यूनिट, जैसा मर्जी वैसा मकान मालिक जो अपना ले लेते थे, जबकि उनका बिजली का बिल नॉर्मल, अब जैसे 200 यूनिट फ्री उन्होंने कर रखी थी, फ्री भी आ रहा था, तब भी वो अपने किराएदारों से बिल के पैसे ले रहे हैं। लेकिन अब मकान मालिक के साथ ये भी बात होगी ना, क्या कहते हैं कि वो उन लोगों को मीटर लगाने ही नहीं देगा जिन जो किराए पर रह रहे हैं, वो कह देंगे कि आप दूसरी जगह चले जाइए। तो तब उसका भी एक अल्टरनेट इलाज है, अगर किराएदार भी चाहेगा और मकान मालिक मना करता है, और किराएदार जनमन है, सीधी 100 नंबर की कॉल करे ना, मुझे मीटर नहीं लगाने दे रहे हैं, भाई मेरा क्या फॉल्ट है बताओ मुझे, आज मैंने किराए पे लिया 2 महीने पहले, मैंने किराए पे मैं आया हूँ यहाँ पे आपके यहाँ शिफ्ट करके किसी को कमीशन दे करके, और उसके बाद मैं यहाँ पे आ करके आप मुझे करो कि आप खाली कर दो। अच्छी बात है, आप बिल्कुल स्टैंडर्ड और जेन्युइन बात कर रहे हैं। लेकिन जो किराएदार हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं, उन्होंने हमसे यही कहा कि हम उनको कैसे समझाएंगे मकान मालिकों को, क्योंकि वो हमारी बातों को तो जानते ही नहीं है। वो बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि मकान मालिक को अभी तक के किराए से भी 200-500 रुपये बिजली के नाम पर कमाई होती थी। बिल्कुल, किराया तो लेते थे, उसके बाद ऊपरी कमाई होती थी उनके, जो बोनस पॉइंट उनको समझते थे वो। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।